नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, यानी अनुवांशिकी का आणविक आधार। पिछले जो चैप्टर थे हमारे, हमने पढ़ा था मेंडल के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे जो डीएनए बेसिस, जो आगे की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में भी, किस प्रकार से हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाता है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, अनुवांशिकी का आणविक आधार, अनुवांशिकी का आणविक आधार, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इसका, अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का? तो भाई बच्चों, सबसे पहले जैसे हम हर बार बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो किस प्रकार से शुरुआत हुई, देखो 1869 यानी 69 में फ्रेडरिक मिशर ने पस्सेल के केंद्रक में न्यूक्लिक कमल की खोज की, और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। भाई क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले हम बात न्यूक्लिक एसिड की ही करेंगे। तो स्टार्टिंग जो हुई वो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा हुई 1869 में। इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर न्यूक्लिक एसिड इन पस सेल न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में खोजा इसलिए इन्होंने, एंड गिव टर्म न्यूक्लिन, और क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे ध्यान रखना। भी आपसे पूछे न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक मिशर ने की, पर उन्होंने नाम क्या दिया था बच्चों, न्यूक्लिन नाम दिया था। टर्म क्या कॉइन की थी, न्यूक्लिन, ठीक है। अब इसके बाद में और इससे क्या रिलेटेड हिस्ट्री है वो भी चर्चा करते हैं हम। देखो, हार्टविग एक साइंटिस्ट था, हार्टविग, ठीक है, हार्टविग, इन्होंने कहा भी न्यूक्लिक न्यूक्लियन न्यूक्लियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है, यानी अनुवांशिकी या गुणों के स्थानांतरण के लिए, गुणों के स्थानांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है भाई, गुणों के स्थानांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यूक्लिन। गुणों के स्थानांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है, न्यूक्लिन जिम्मेदार है। यहां तक बात चल गई। फिर इसके बाद में फ्रेडरिक मिशर का एक स्टूडेंट आया, फ्रेडरिक मिशर का स्टूडेंट आया जिनका नाम था एल्टमान, ठीक है, एल्टमान। एल्टमान ने क्या किया भाई, एल्टमान ने इन्होंने न्यूक्लिक अमल नाम दिया, ठीक है। इन्होंने जो है न्यूक्लिक एसिड टर्म गिवन बाय एल्टमान। तो ये भी ध्यान रखना
भी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले भी, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में जो आज हम पढ़ते हैं वो टर्म किसने दी थी? एल्टमैन ने दी थी, और ये कौन थे? ये फ्रेडरिक मिशर के स्टूडेंट थे, और इन्होंने ये भी बताया साथ में भी न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स का होता है, न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप्स हैं, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार भी हैं, न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार हैं, ये बात भी एल्टमैन ने हमें बताई थी। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये है भी, दो साइंटिस्ट थे, एक तो था कॉर्नबर्ग, ठीक है, कॉर्नबर्ग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किया था भी, इन विट्रो सिंथेसिस, डीएनए का पात्र संवर्धन किया था, आर्टिफिशियल डीएनए तैयार किया था या आर्टिफिशियल कंडीशंस में डीएनए बनाया था, किसने? कॉर्नबर्ग ने। और सर्वर ओकाओ, एक वैज्ञानिक थे सर्वर ओकाओ, इन्होंने क्या किया, आरएनए इन विट्रो सिंथेसिस किया था भी, आरएनए इन विट्रो सिंथेसिस, ठीक है। और इन दोनों को ही कॉर्नबर्ग एंड ओकाओ वॉन नोबेल प्राइज फॉर दैट, तो इन्हें कॉर्नबर्ग व ओकाओ को, कॉर्नबर्ग व ओकाओ को क्या मिला भी, नोबेल पुरस्कार मिला, क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड बात है। अब आप देखते हैं एक्चुअल में न्यूक्लिक अम्ल में होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो भाई बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है, इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर कई चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है बच्चों सुगर, या मैं ये कहूं पेंटोज सुगर, ठीक है, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, इस प्रकार से पांच कार्बन वाली जो है सुगर इसमें पाई जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, या इधर से काउंटिंग भी हम शुरू कर सकते हैं। पांच कार्बन वाली पेंटोज शर्करा इसमें होती है। दूसरी चीज होती है बच्चों इसमें नाइट्रोजनी क्षार, क्या भाई, नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरी जो चीज होती है वो होती है फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब जो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो प्यूरिन, ठीक है, या पिरिमिडीन, ठीक है बच्चों, या तो प्यूरिन या पिरिमिडीन, दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। प्यूरिन जो होती है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है बच्चों, क्या होती है, डबल रिंग, ठीक है, दोहरा, द्विवल्य पाए जाते हैं इसमें, क्या पाए जाते हैं, द्विवल्य। और ये जो है पिरिमिडीन जो होती है ये एकल रिंग वाली, एकल वल्य युक्त होती हैं, एकल वल्य या सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है, ठीक है। अब प्यूरिन जो है बच्चों, ये प्यूरिन जो है फर्दर दो प्रकार की है, एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन, इसको ई से डिनोट करते हैं,
और इसको जी से, ठीक है। और पिरिमिडिन जो होती है बच्चों, तीन प्रकार की होती है, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है, तीन प्रकार सी यू टी कट, कट से याद रख सकते हैं पिरिमिडिन को। ये फॉस्फेट समूह जो है ये H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, या इसको मैं P से डिनोट कर सकता हूं। तो तीन चीजें हैं, पेंटोज सुगर है, नाइट्रोजनी क्षार है और फॉस्फेट समूह है। नाइट्रोजनी क्षार जो है ये प्यूरिन और पिरिमिडिन दो प्रकार के हो सकते हैं, पेंटोज सुगर भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो राइबोज, राइबोज या सेकंड जो है वो है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। प्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन हो गया और फॉस्फेट समूह हो गया, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब हमें पता है भी न्यूक्लिक एसिड जो, जैसा कि एल्टमैन ने बताया था भी, न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी एग्जिस्टेंस जो है ये टू टाइप्स में, या तो ये डीएनए के रूप में होगा या ये आरएनए के रूप में होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले डीएनए की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। एक्चुअल में डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। दो प्रकार के, सॉरी दो जो प्रकार है उनमें से एक है डीएनए। अब डीएनए जो है बच्चों इसके अंदर क्या क्या है, तीन चीजें तो पक्का ही होंगी, कौन कौन सी, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर जो बच्चों पेंटोज सुगर है, पेंटोज सुगर जो है, पेंटोज शर्करा जो है वो होती है डीऑक्सीराइबोस, कौन सी होती है बच्चों, डीऑक्सीराइबोस। इसका मतलब इसके दो नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम है, इसके दो नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और यहाँ पे फाइव, तो ये जो दो नंबर कार्बन है यहाँ पे दोनों पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और ये तीन जो है यहाँ पे OH और H है, यानी यहाँ की ऑक्सीजन दो नंबर की गायब है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा बोलते हैं, ठीक है। आरएनए के अंदर दो नंबर पर ऑक्सीजन पूरी होगी इसलिए वो राइबोज है, ये डीऑक्सीराइबोस है, ये पेंटोज सुगर होगी। अगली बात करते हैं बच्चों हम किसकी, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार, तो इसके अंदर प्यूरिन कौन कौन सी होंगी भी और पिरिमिडिन कौन कौन सी होंगी। प्यूरिन तो दोनों ही होंगी बच्चों, एडिनिन भी होगी और गुआनिन भी होगी, दोनों प्यूरिन होगी। पिरिमिडिन भी दो ही होंगी, दोनों पिरिमिडिन कौन कौन सी है बच्चों, एक तो है थायमिन और एक है साइटोसिन। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता भी, डीएनए में यूरेसिल, यूरेसिल नहीं होता है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। और तीसरी चीज जो है वो है फॉस्फेट समूह, ये होगा फॉस्फेट समूह, ये होगा भी, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कौन, डीएनए के अंदर क्या हुई, सुगर कैसी हुई, डीऑक्सीराइबोस,
नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन, एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन, थायमिन और साइटोसिन, यूरेसिन नहीं होगा और फॉस्फेट समूह होगा। अगर हम बात करें आरएनए की, अगर हम बात करें किसकी, आरएनए की, तो आरएनए के अंदर जो पेंटोज सुगर है वो कौन सी है, भी पेंटोज सुगर जो है वो है राइबोस। कौन सी है, राइबोस। राइबोस का मतलब है इसके दो नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन पूरी है, ये एक दो तीन चार और ये पांच, तो यानी OH H H OH, तो दो ऑक्सीजन पूरी है दो नंबर पर, सेकेंड नंबर कार्बन पर, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोस सुगर बोलते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार की या नाइट्रोजनस बेस की, नाइट्रोजन बेस या क्षार की, तो इसके अंदर भी प्यूरिन होंगे और पिरिमिडिन भी होंगे। प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों होंगे, और प्यूरिन कौन कौन से होंगे बच्चों, एडिनिन भी होगा और गुआनिन भी होगा। पिरिमिडिन कौन कौन से होंगे, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। यानी आरएनए में थायमिन नहीं होता है, और थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है बच्चों, और फॉस्फेट समूह होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो अब इतनी सी बातों से लेकर हम अंतर और समानताएं, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पता कर सकते हैं क्या। अगर बात करें पेंटोज सुगर की तो डिफरेंस हमें पता है, बात करें नाइट्रोजनस बेस की तो डिफरेंस हमें पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में जो है हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों, वो होता है द डीएनए, द डीएनए। डीएनए एक्चुअल में क्या है, तो एक चीज सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अकरेंस की, कहां पाया जाता है अकरेंस, यानी पाया जाता है भाई सभी जीवों का मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है मेन जेनेटिक मटेरियल, कौन है भाई, डीएनए है। एक जाति की सभी कोशिकाओं में लगभग समान मात्रा में पाया जाता है, भी लगभग समान मात्रा में, ठीक है, इन सेम स्पीसीज सेल इक्वल अमाउंट जो है वो डीएनए की होती है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन हो और कोशिका विभाजन की जो एस अवस्था में डीएनए डबल हो जाता है, भी डीएनए क्या हो जाता है, डबल। और एक चीज ध्यान रखना, युग्मकों में, युग्मक यानी गैमीट्स जो होते हैं उनमें डीएनए जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, आधा। डीएनए क्या हो जाता है, आधा।
तो ये दो कंडीशंस हमारी लाइफ में आती हैं, यानी हमारी सेल में जब सेल डिवीजन होता है उसकी एस फेज आती है, तो डीएनए उस समय क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए डबल हो जाता है। और जब गैमीट्स बनते हैं यानी स्पर्म, और गैमीट्स क्या होंगे, स्पर्म होंगे या ओवम होगा, स्पर्म या ओवम यानी शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या अंडाणु, इनके अंदर डीएनए की मात्रा पूछे तो बच्चों क्या होती है, आधी होती है। अगली बात हम करते हैं डीएनए की लंबाई। ठीक है भाई, तो इसको एक तो बच्चों क्षार युग्म में मापते हैं, किसमें मापते हैं, क्षार युग्म में मापते हैं। ठीक है, इन बेस पेयर, जैसे हमारी एक अगुणित कोशिका में हैप्लोइड सेल के अंदर बच्चों 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, वैसे अगर मापें तो मैंने आपको कई बार बता दी है 2.2 मीटर। ठीक है, हमारे मनुष्य की एक कोशिका में 2.2 मीटर। ठीक है, भी आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार से है? देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नग्न, ठीक है, और वर्तुल होता है, नेक्ट एंड सर्कुलर डीएनए। इस प्रकार से अगर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसका जो डीएनए होगा बच्चों इस प्रकार से नेक्ड होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर का मतलब जिसके दोनों सिरे जुड़े हों। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो भाई ये एक तो होता है केंद्रक में, न्यूक्लियस में, और यह होता है कोशिकांगों में, किसी कोशिकांग में भी हो सकता है, ऑर्गेनेल्स में। अगर यह केंद्रक में होगा तो इस प्रकार से कोशिका है, यह उसका केंद्रक है और केंद्रक के अंदर यह बंद है, यानी नेक्ड नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली में बंद होगा, किसमें, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों ओर पाई जाएगी, साथ में ये रेखीय होगा, लीनियर होगा, नेक्ड नहीं होगा, नगन नहीं होगा, इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होगी। परंतु कोशिकांग, दो कोशिकांगों में ये पाया जाता है भी, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला ही पेज देते हैं। देखो, कोशिकांगों के बारे में अगर हम बात करें, कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स तो कहां कहां होता है भी, या तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या क्लोरोप्लास्ट में होगा, और इन दोनों के अंदर बच्चों ये क्या होगा, सर्कुलर, ठीक है, क्या होगा, सर्कुलर होगा, वर्तुल होगा, ठीक है, नग्न होगा, नेक्ड होगा, यानी इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और क्लोरोप्लास्ट में भी ये किसा होगा, सर्कुलर एंड नेक्ड, वर्तुल होगा, जिसके दोनों सिरे क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है,
तो ये होगी कुछ पाए जाने के आधार पर किस प्रकार से ये डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं हम डीएनए की संरचना की, ठीक है, डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। तो मैं आपको प्रयास करता हूं थोड़ा सा समझाने का। इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है, भी ये एक नंबर कार्बन है बच्चों, एक दो तीन चार और यहां पे है पांच नंबर। ये जो तीन नंबर कार्बन होता है, समझने वाली बात है, ये एक नंबर है, ये जो तीन नंबर कार्बन जो होता है इससे बच्चों फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है अगले के पांच नंबर कार्बन से। अगली जो शर्करा है उसके कितने नंबर कार्बन से? पांच नंबर से, ठीक है। तो वापस ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक दो तीन चार पांच, और इसका जो तीन नंबर कार्बन है ये भी जुड़ा होता है अगले के किससे भाई? पांच नंबर से, अगली शर्करा के पांच नंबर से। तो ये बना देते हैं अपने, एक दो तीन चार पांच। अब यहां पे मान लो ये खत्म होगी तो ये थ्री प्राइम हो गया, यानी यहाँ का तीन सिरा जो है खाली रह गया, और कहीं से ये शुरू हुआ था तो इसको हम फाइव प्राइम बोलते हैं, ये शुरू। तो ये तो हो गया इसका एक सिंगल स्ट्रैंड, एक रज्जुक। अब ये आपको पता है भी डीएनए द्विरज्जुकीय होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने अभी अंतरों में पहले मैंने सोचा ये समझा दूं, उसके बाद आपको ज्यादा अंतर पता लगेंगे। तो इसका दूसरा स्ट्रैंड किस प्रकार से बनता है? तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट बनता है बच्चों, ठीक है, और उल्टे तरीके से बनता है। एक दो तीन चार, यहां पे इसका फाइव प्राइम खाली रह गया तो ये पांच प्राइम हो गया। अब इसका तीन नंबर कार्बन जो है, इसका तीन नंबर कार्बन जो है इससे फॉस्फेट जुड़ेगा अगले के कितने नंबर से बच्चों? पांच नंबर से, ठीक है, अगले के कितने नंबर से? पांच नंबर से, एक दो तीन चार पांच। अब इसका तीन नंबर जो है वो अगले के पांच से जुड़ेगा फॉस्फेट समूह, तो यहां पे अपने ये बना देते हैं, एक दो तीन चार पांच। तो ये दो स्ट्रैंड हो गए, और एंटी पैरेलल है, प्रतिमुखी है, दोनों के विपरीत हैं। अब यहां पे कौन सा प्राइम खाली रह गया? तीन सिरा खाली रह गया तो इसको थ्री प्राइम बोलेंगे। यहां पे कौन सा? फाइव सिरा, तो इसको फाइव प्राइम। ये पांच से तीन जा रही है तो दूसरी चेन जो है वो तीन से किधर जाएगी? पांच की ओर। अभी ये दोनों इंडिविजुअल हैं तो हम देखेंगे भी ये दोनों आपस में जुड़ी किस प्रकार से रहती है। दोनों जुड़ी होती है ना, ये कोइल्ड भी होती है, जुड़ी भी होती है। तो बच्चों ये जो एक नंबर कार्बन है इससे हमेशा ही नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं। इससे बच्चों क्या जुड़ते हैं? हमेशा ही एक नंबर कार्बन जो होता है इससे नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं। मान लो यहाँ पे थाइमिन है, इस एक नंबर से क्या जुड़ा हुआ है? थाइमिन। यहाँ पे बच्चों मान लो साइटोसिन है, यहाँ पे मान लो बच्चों एडिनिन है। अब ये लंबी, कितनी लंबी श्रृंखला हो सकती है? बेस पेयर मैंने आपको बता ही दिया, हैप्लोइड में इतने हैं तो कितने होंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, थायमिन से हमेशा ही कौन जुड़ता है बच्चों? एडिनिन जुड़ता है। साइटोसिन से हमेशा ही कौन जुड़ता है? गुआनिन जुड़ता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और एडिनिन से फिर कौन जुड़ेगा? थायमिन जुड़ेगा। अभी भी ये दोनों चेन इंडिविजुअल ही है, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। अब ये जुड़ती किससे है? ये दोनों चेन हाइड्रोजन बंधों से जुड़ी रहती है। हाइड्रोजन बंध इसमें पाए जाते हैं जो इन दोनों चेनों को जोड़कर रखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है भी, डीएनए की दोनों चेन जो है, दोनों रज्जुक जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो किस बंध से जुड़े रहते हैं, किसके कारण दोनों आपस में जुड़े रहते हैं? तो हाइड्रोजन बंध होता है। और एक चीज ध्यान रखना, एडिन थायमिन और एडिनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मैं कौन सा लगा रहा हूँ? डबल, ये देख लो, डबल ट्रिपल डबल, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो।
थायमिन थायमिन एडिनिन भी लिख सकते हैं हम, थायमिन एडिनिन साइटोसिन लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमने समझने के लिए बना लिया। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और बंद हैं, अब मैं आपको इन बंदों की जानकारी दे दूं। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पता लग गया, ये भी और ये भी, तीनों जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ये जो बंद है जो पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनी क्षार को आपस में जोड़ते हैं, यानी ये जो बंद होते हैं ये कहलाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंद, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो बंद हमें जानकारी मिल गई, एक तो हाइड्रोजन बंद जो दो नाइट्रोजनी क्षारों के बीच है, एक ग्लाइकोसाइडिक बंद जो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ग्लाइकोसाइडिक। अब ये देखो ये बंद जो पेंटोज सुगर और फॉस्फेट के बीच में है, एक बंद ये भी है, तो ये बंद कौन सा होता है भी? ये बंद जो है बच्चों ये बंद कहलाता है फोस्फो फोस्फो डाइएस्टर बंद, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हमारी एक डीएनए की संरचना हो गई। अब यहां पे हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर ये दोनों हमने फाइंड आउट कर ली तो इस इतनी सी संरचना से हम मतलब आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन समझ सकते हैं। एक तो हम वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल समझ सकते हैं, इससे सारी बातें आ गई जो उस मॉडल में है, इस संरचना में वो सारी बातें आ गई, और साथ में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, वो कहेगा भी फॉस्फेट समूह पेंटोज सुगर के बीच में बंद का नाम बताएं, फॉस्फोडाइएस्टर बंद, पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनी बेस के बीच का बंद का नाम बताएं, ग्लाइकोसाइडिक, दोनों चेनों के बीच में या दो नाइट्रोजनी बेस के बीच में बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता हूं, आप मुझे बताना ये स्ट्रक्चर जो है इसमें मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिर्फ इतनी स्ट्रक्चर मैंने सिलेक्ट की, इसमें देखो एक तो पेंटोज सुगर है और एक नाइट्रोजनी बेस है, दो चीजें हैं, पेंटोज सुगर, पेंटोज सरकरा प्लस नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजन क्षार, एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली बच्चों। एक स्ट्रक्चर मैं इधर सिलेक्ट करता हूं, आप देखो इसमें मैंने क्या क्या लिया है, इसमें मैंने तीन चीज ले ली, एक पेंटोज सरकरा, सेकंड नाइट्रोजनी बेस और थर्ड फॉस्फेट समूह, तीन चीजें सिलेक्ट कर ली। अब इनका नामकरण करते हैं, देखो पहला जो मैंने सिलेक्ट किया था वो किया था सिर्फ और सिर्फ पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, पेंटोज सरकरा, पेंटोज सरकरा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, ये दो चीजें मैंने सिलेक्ट की और इन दोनों चीजों को मिलाकर हम नाम देते हैं बच्चों क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है भी, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है जी, पेंटोज सरकरा और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ध्यान रखना। और इन दोनों के बीच में जो ये बंद है कौन सा बंद पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंद,
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है इनके बीच में पाया जाता है। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के साथ, इस न्यूक्लियोसाइड जो है, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक चीज और मिला दूं, न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या मिला दूं, एक चीज और मिला दूं, वो भी कौन सा, फॉस्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड जो है इसके साथ मैं मिला दूं फॉस्फेट समूह, अब मेरे पास जो ये दो चीजें हैं इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वो आपसे पूछ ले न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह होते हैं। अब देखो यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर इधर चलते हैं फॉस्फेट समूह है प्लस न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीजें हैं, पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर, पेंटोज सर्करा प्लस दूसरी कौन सी थी, नाइट्रोजनस बेस थे, नाइट्रोजन बेस। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना अभी एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, एक तो फॉस्फेट समूह, एक पेंटोज सुगर और एक नाइट्रोजन बेस, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, और अगर इनके साथ फॉस्फेट समूह हो रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी संरचना में हम देखते हैं भी ये जो हमने दो चीजें सिलेक्ट की थी ये क्या थी, ये न्यूक्लियोसाइड थे, न्यूक्लियो साइट, और ये जो तीन चीजें हमने सिलेक्ट की हैं बच्चों ये हैं न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड। अब मेन बड़ी यूनिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, और आप देखो इसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने सारे, अब ये ऐसा तो है नहीं भी इतनी इसमें होते हैं, ये तो बहुत लंबा वृहत, ये मैक्रोमोलेक्यूल है, बृहत अणु है और सबसे लंबा अणु भी है, नॉट इवन मैक्रोमोलेक्यूल ऑल्सो इज ए लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल या लॉन्गेस्ट मैक्रोमोलेक्यूल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक किस जो स्ट्रक्चर है इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, अगली क्लास में हम इसी से संबंधित आगे की बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।